नमस्कार दोस्तों, फैंटेसी स्पोर्ट्स प्रोफेसर के यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे फैंटेसी टिप्स और बेस्ट ड्रीम इलेवन कॉम्बिनेशन फॉर मेक्सिकन लीग गेम बिटवीन सीएफ अमेरिका एंड क्रूज असुल, जो दोस्तों 18 अप्रैल को सुबह 7:35 AM को खेला जाएगा। जैसा कि हम देख सकते हैं दोस्तों, ये क्लैश बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, काफी नील बाइटिंग होने वाला है, क्योंकि दोस्तों दोनों ही टॉप टीम्स के बीच में ये गेम है, जहां पे दोस्तों क्रूज असुल फर्स्ट पोजिशन पे एंड अमेरिका सेकेंड पोजिशन पे। दोनों टीम ने दोस्तों 14 गेम्स खेली है, जहां पे क्रूज असुल ने 12 गेम जीती है और 2 गेम हारी है। सीएफ अमेरिका ने दोस्तों 14 गेम में से 11 गेम जीती है, 1 गेम ड्रॉ करी है और 2 गेम हारी है। दोस्तों दोनों टीम्स के बीच में सिर्फ 2 ही पॉइंट्स का डिफरेंस है, तो यदि अमेरिका ये गेम जीत जाती है वो टॉप ऑफ द टेबल पे आ जाएगी। लेकिन दोस्तों क्रूज असुल इतनी आसानी से अपना टॉप पोजिशन छोड़ने वाली नहीं है, तो दोस्तों काफी इंटरेस्टिंग गेम होने वाला है। रिसेंट गेम परफॉर्मेंसेस की बात करें दोस्तों, तो लास्ट 5 गेम में अमेरिका ने 4 गेम जीती है और 1 गेम हारी है। दोस्तों उनका 9 गेम्स का अनबीटन रन लास्ट गेम में खत्म हो गया था ओलंपिया के सामने, जहां पे उन्होंने 1-0 से गेम हार लिया था। उनका अटैक दोस्तों काफी उमदा है, जहां पे लास्ट 5 गेम में उनके अटैक ने 8 गोल स्कोर करे हैं। उसका डिफेंस भी दोस्तों इतना इजीली गिव अप नहीं कर देता है, सामने को काफी टफ फाइट देता है, बट दोस्तों लास्ट 5 गेम में उन्होंने सिर्फ 1-1 क्लीन शीट रख पाई है। क्रूज असुल की बात करें दोस्तों, तो उन्होंने लास्ट 5 गेम में काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, जहां पे वो 1 भी गेम नहीं हारे हैं। उन्होंने दोस्तों 4 गेम जीती है और 1 गेम ड्रॉ करी। दोस्तों उनका मेन रीजन उनका डिफेंस, जिन्होंने काफी बेहतरीन परफॉर्मेंस देके लास्ट 5 गेम में 4 क्लीन शीट रखी है, और उनका अटैक भी दोस्तों उतना ही सुपीरियर है, जिन्होंने लास्ट 5 गेम में 13 गोल स्कोर किए। दोस्तों काफी कॉन्फिडेंटली आएंगे ये गेम में, लास्ट गेम में उन्होंने अरकाई को 8-0 से हरा दिया था। की स्टैट्स की बात करें दोस्तों, तो क्रूज असुल ने लास्ट 12 गेम्स में 1 भी गेम अभी तक नहीं हारी है। सीएफ अमेरिका का दोस्तों होम परफॉर्मेंस काफी अच्छा है, जहां पे वो लास्ट 7 होम गेम्स में 1 भी गेम में उन्होंने डिफीट नहीं देखी है। क्रूज असुल का अवे परफॉर्मेंस भी उतना ही पावरफुल है, जहां पे उन्होंने लास्ट 6 अवे गेम्स में सभी में क्लीन शीट रखी है। जो दोस्तों लास्ट 6 हेड टू हेड मीटिंग्स हुई थी दोनों टीम्स के बीच में, उसमें क्रूज असुल का थोड़ा सा अपर हैंड है, जहां पे उन्होंने 3 गेम जीती थी, अमेरिका ने 1 गेम जीती थी और 2 गेम्स ड्रॉ हुई है। तो यदि दोस्तों आपको ऐसे स्टैट्स एनालिसिस में और इंटरेस्ट रखते हैं, तो हमारे टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करेगा, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो दोस्तों आपको ऐसे काफी अच्छे अच्छे स्टैट्स मिल जाएंगे, एनालिसिस भी आपको मिल जाएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, अच्छा लगा सुनने में, मजा आ रहा हो मेरी रिसर्च सुन के, तो इस वीडियो को जरूर लाइक करेगा एंड हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एक्सपेक्ट 11 की बात करें दोस्तों, तो जैसा हमने कहा कि दोनों टीम्स के लिए मस्ट मस्ट विन गेम है, क्योंकि दोस्तों दोनों ही टॉप ऑफ द टेबल पे और वो अपनी पोजीशन ड्रॉप नहीं करना चाहेगी। तो इसमें दोस्तों हमने भी उनके टॉप 11 प्लेयर्स को सिलेक्ट किया है एज आर एक्सपेक्टेड प्लेइंग 11। की प्लेयर्स की बात करें तो अमेरिका की साइड से रॉजर मार्टिनेज, सेबिस्टन कॉर्डोवा एंड पेड्रो एक्विनो हमारे टॉप पिक है, जहां दोस्तों रॉजर मार्टिनेज ने 5 गोल स्कोर किए हैं और 1 असिस्ट दिया है। सेबिस्टन कॉर्डोवा ने दोस्तों 7 गोल स्कोर करके 4 असिस्ट दिए, और पेड्रो एक्विनो ने दोस्तों 3 गोल स्कोर किए एंड 2 असिस्ट दिए हुए ये सीजन में। क्रूज असुल की साइड से दोस्तों जोनाथन रोड्रिगस एंड लुइस रोमो हमारे टॉप पिक है, जहां दोस्तों ये दोनों अपने टीम के टॉप गोल स्कोर एंड असिस्ट प्रोवाइडर रहे, जहां पे जोनाथन रोड्रिगस ने दोस्तों 20 गोल स्कोर किए, 5 असिस्ट दिए और रोमो ने 5 गोल स्कोर करके 11 असिस्ट दिए हैं। सबसे ड्रीम इलेवन की बात करें तो फॉरवर्ड में रोड्रिगस एंड मार्टिनेज हमारे टॉप पिक है, जहां दोस्तों रोड्रिगस तो काफी अच्छे फॉर्म में 20 गोल ऑलरेडी स्कोर कर चुके हैं, तो दोस्तों काफी अपने सेफ कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी ऑप्शंस हो जाते हैं। और दोस्तों मार्टिनेज भी काफी अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं अपनी टीम के लिए, काफी उद्दा खेल। तो दोस्तों जब आप हेड टू हेड लीग में पार्टिसिपेट करते हैं, तब आप ये दोनों को अपना कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी ऑप्शन में बना सकते हैं। मिडफील्ड की बात करें तो एक्विनो, रोमो एंड कॉर्डोवा हमारे टॉप पिक है, जहां दोस्तों तीनों हमारे कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी ऑप्शन हो जाते हैं। रोमो दोस्तों काफी अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं, उन्होंने ऑलरेडी 11 असिस्ट दिए हुए, तो काफी अच्छा वो खेल रहे हैं। एक्विनो और कॉर्डोवा भी दोस्तों काफी अच्छा खेलते हैं, स्मॉल लीग में जब पार्टिसिपेट करते तब आप काफी हेल्प हो जाएगी ये दोनों प्लेयर्स को अपने वाइस कैप्टनसी ऑप्शन में रखने। मेगा लीग में भी दोस्तों आप ये दोनों को ट्राई जरूर कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों दोनों ही हाई चांसेस है कि ये गेम में परफॉर्मेंस देंगे, क्योंकि दोनों का ही अटैकिंग माइंड है, तो अटैक में काफी ज्यादा इन्वॉल्व रहने वाले।
और दोस्तों ये तीनों आपको काफी अच्छे फैंटेसी पॉइंट्स असिस्ट के दे सकते हैं, थ्रू बॉल्स के देंगे, इंटरसेप्शंस के भी काफी अच्छे पॉइंट्स आपको मिल सकते हैं। डिफेंस में एस्कोबार, इक्विलार, फ्यूंटस एंड सैंचेस हमारे टॉप पिक है और जीसस कोरोना हमारे टॉप गोलकीपर है। तो दोस्तों अगर आपने देखा रहेगा तो हमने आपको अभी 6-4 वाली टीम दी है इन फेवर ऑफ सीएफ अमेरिका, क्योंकि दोस्तों हम आपको अभी 80 प्लेयर वाली टीम देंगे, क्योंकि जो 11वां प्लेयर हम आपको बताने वाले हैं वो आपको काफी हेल्प करेगा जब आप अपनी मल्टीपल टीम डालते हो तब, क्योंकि दोस्तों एक टीम से जीतना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, तो आपको मल्टीपल टीम डालनी ही पड़ सकती है अगर आपको जीतना है और आपके चांसेस अगर बढ़ाने हैं जीतने के। तो दोस्तों उसके लिए हम आपको तीन ऑप्शंस देंगे जो आपको काफी हेल्प करेगा जब आप अपनी मल्टीपल टीम डालते हैं स्मॉल लीग या फिर ग्रैंड लीग में। सबसे पहले दोस्तों क्लब अमेरिका की साइड से रिचर्ड सैंचेस करके एक प्लेयर है, काफी उमदा परफॉर्मेंस दे रहे मिडफील्डर है, वो काफी अच्छा आपको पॉइंट्स दे सकते हैं। उन्होंने दोस्तों 5 गोल स्कोर किए और 5 असिस्ट दिए। अभी हमने दोस्तों ऑलरेडी क्लब अमेरिका के दो मिडफील्डर्स लिए हुए हैं और एक मिडफील्डर क्रूज अजुल का लिया हुआ है। तो इफ यू आर बैकिंग, आपको गट फीलिंग है कि अमेरिका ये गेम में अच्छा परफॉर्मेंस करेगी और वही गेम जीतेगी, बाउंस बैक करेगी उनके लास्ट गेम डिफीट से, तो आप रिचर्ड सैंचेस को जरूर अपनी मिडफील्ड में रख दीजिएगा। क्रूज अजुल की साइड से दोस्तों पाब्लो इक्विलर एंड रॉबर्टो एल्वाडो हमारे टॉप पिक है। जहाँ दोस्तों पाब्लो इक्विलर डिफेंडर है, अभी हमने दोस्तों तीन प्लेयर्स क्लब अमेरिका के लिए हुए और एक प्लेयर क्रूज अजुल का लिया हुआ है। तो अगर आप बैलेंस टीम चाहते हैं ताकि आप सेफ खेल सके, जहां पे अगर गेम 0-0 से भी ड्रॉ हो गया या फिर एक एक भी गोल स्कोर हो, तो आपके क्लीन शीट के काफी अच्छे फैंटेसी पॉइंट्स मिल जाएंगे दोनों टीम की साइड से। तो दोस्तों आप एक प्लेयर क्लब अमेरिका का निकाल सकते हैं डिफेंडर में और पाब्लो इक्विलार को रख सकते हैं क्रूज अजुल की साइड से। रॉबर्ट अल्वाडो करके भी एक प्लेयर है, मिडफील्डर है, वो भी काफी अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं। उन्होंने दोस्तों 4 गोल स्कोर किए और 6 असिस्ट दिए हुए। तो अभी जैसा हमने आपको पहले बताया मिडफील्ड में 2 प्लेयर्स अमेरिका के और एक प्लेयर क्रूज अजुल के, तो आप बैलेंस टीम चाहते हैं मिडफील्ड में भी, तो आप रॉबर्टो को अपनी टीम में जरूर लीजिएगा। और दोस्तों जैसा हम हमेशा कहते हैं, ये जो हमने आपको टीम दिया हमारी सैंपल टीम में से फाइनल टीम मत मानेगा, क्योंकि जो लाइनअप आएगी उस पे शायद हमें काफी चेंजेस करने पड़ सकते हैं, गिवन कि दोस्तों मैनेजर क्या लाइनअप आता है, वी नेवर नो कि कौन से प्लेयर्स को हमें निकालना चाहिए या फिर कौन से न्यू प्लेयर्स हमें ऐड करने चाहिए। तो उसके लिए दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करेगा, जहां आपको हमारी फाइनल टीम मिल जाएगी विद आर कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी ऑप्शन। साथ में दोस्तों हम आपको एक एक्सपर्ट एनालिसिस भी देंगे, जो आपको जब आप अपनी खुद की मल्टीपल टीम बनाते हो या फिर अगर हमारी टीम कॉपी ना करके खुद की टीम बनाते हो, तो आपको काफी हेल्प करेगा अपनी टीम बनाने में भी। तो दोस्तों फट से हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर दीजिएगा, जिसका लिंक हमें डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, मजा आया सुनने में, तो इस वीडियो को जरूर लाइक करेगा, शेयर करेगा अपने दोस्तों के साथ, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और याद रखिए दोस्तों फैंटेसी स्पोर्ट एक फन एलिमेंट है, उसी की तरह ट्रीट करेगा, रिस्पॉन्सिबल खेले, अच्छे से खेले, क्योंकि इसमें फाइनेंशियल रिस्क जरूर इन्वॉल्व होता है, तो अपनी कैपेबिलिटी से ज्यादा इसमें इन्वेस्ट मत करेगा। जल्द मिलते हैं किसी और क्रिकेट, फुटबॉल या बास्केटबॉल वीडियो में। धन्यवाद।